देख रहे हैं खटपट न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 सदन के पटल में रखा गया। विधेयक को सदन में रखने के पहले विपक्ष ने इसके विरोध में काफी हंगामा किया। विपक्ष इस बिल के सीधे तौर पर खिलाफत करते नजर आए। विपक्ष का मानना था कि केंद्र सरकार द्वारा जब बिल पास कर लिया गया है तो राज्य शासन द्वारा लाया गया बिल औचित्य ही नहीं। जोरदार हंगामे के बीच कृषि मंत्री रवीन चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया। हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष अध्यादेश लाकर कानून बनाने की बात कह रही है, लेकिन मौजूदा हालात इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। कृषि मंत्री रवीन चौबे ने अपने भाषण में कहा, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई बिल पूंजीपतियों को साथ देने वाली है, ना कि किसानों को। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो कानून बनाने जा रही है उसमें केंद्र के कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून में आर्थिक आधार को रखा गया, जबकि हमारी सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए ये कानून बना रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के गरीब तबकों के किसानों को लाभ हो सकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का 254 और 254 ये कहता है स्पष्ट रूप से कि किसी राज्य में यदि कोई नया कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और विधानसभा में विधेयक पेश है, और वैसा ही कानून यदि केंद्र सरकार में पूर्व से बन चुका है, तो 254 कहता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है वो ही कानून लागू होगा, जो राज्य सरकार ने उसके बाद या उसके पहले कानून बनाया वो शून्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।